कोरोना संक्रमण के कारण सैकड़ों लाखों लोग बेरोजगार हुए, उनके आय के साधन ना के बराबर हो गए, घर चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया। इन्हीं में से एक है चंबाघाट की महिला जिसका नाम आशा है, लेकिन उसकी आशा अब दम तोड़ने लगी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आशा के पति का देहांत हो चुका है और वह अपनी माँ के पास रह रही है। माँ पहले सब्जी की रेहड़ी लगाती थी, लेकिन अब उनके मृत होने के कारण वह रेहड़ी भी नहीं लग रही है। आशा अब रेहड़ी पर सब्जी बेचने का काम करती है, लेकिन कोरोना के चलते ये काम भी नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आय ना के बराबर थी। यही कारण था कि वह अपने बेटे की स्कूल फीस नहीं दे पाई, इसलिए उसने निर्णय किया कि वह बच्चे को निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाल देगी, जिसके लिए उसे स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। लेकिन स्कूल ने ये सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि आशा ने पिछले एक वर्ष से स्कूल की फीस नहीं दी थी। वह बार बार स्कूल के पास जा रही थी, लेकिन प्रबंधन उसकी एक ना सुनी, इसलिए उसने CWC के चेयरमैन विजय लांबा से शिकायत की। विजय लांबा ने उच्च अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन से बात की और उसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिलवाया गया। लॉकडाउन के चलते पैसे वगैरह की बहुत तंगी हो गई थी, पैसे थे नहीं, तो इस चलते मैं बच्चे को वहाँ स्कूल से निकालना चाहती थी, तो उस स्कूल वालों ने मुझे लीविंग सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। काफ़ी मैंने रिक्वेस्ट वगैरह भी करी, फिर भी उन्होंने नहीं माने। फिर इस वजह से मैं यहाँ पे आई, मैडम के पास आई और यहाँ कंप्लेन वगैरह की, तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को दिया लीविंग सर्टिफिकेट। हम सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं और लॉकडाउन में हमने कोई काम नहीं किया, एक पैसे की कोई कमाई नहीं की, कुछ नहीं किया, तो और कोई हमारे कमाने वाला है नहीं, तो इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं थे और इस वजह से बच्चे को मैं निकालना चाहती हूँ। मैं हूँ, मेरी मम्मा है 70 साल के हैं और छोटी सिस्टर है मेरी और 12 साल का मेरा वो लड़का है और कोई है नहीं। मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरे पापा को एक्सपायर हुए 2 साल हो रहे हैं, तो कोई है नहीं कमाने वाले। तो सब्जी की रेहड़ी अगर लगा ली तो हम रोटी खाएंगे, नहीं लगाई तो नहीं खा सकते हैं। तो ये शिकायत करने की नौबत यहाँ पर क्यों आई? पहले इससे पहले आपने स्कूल वालों को, उस स्कूल वालों के पास में 2-3 बार जाके आ गई, पर उन्होंने मना कर दिया, बोलते 15,000 रुपये आप जमा करो उसके बाद। इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की, इनकी वजह से मेरे को बच्चे की लिविंग सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं तो उन्होंने तो मेरे को बोला था कि जब तक आप 15,000 रुपये नहीं जमा करेंगी हमारे पास मत आना। और जब इन्होंने आके अपनी बात हमारे आगे रखी तो इनकी आंखों में लिटरली आंसू थे, वो जो हमारे से देखे नहीं जा रहे थे। इन्होंने हमें बताया कि इनका बेटा जो अभी 6th पास आउट हुआ है, दयानंद आदर्श विद्यालय में पढ़ता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्योंकि कमाने वाली अकेली यही हैं घर पे, तो लॉकडाउन के दौरान ये कुछ भी अर्निंग्स नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बच्चे की फीस देने में असमर्थ थी। तो इनका विचार था कि अब ये अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगी, तो उसके लिए SLC की ज़रूरत थी। SLC इनको, जो हमारा ये दयानंद आदर्श विद्यालय है, यहाँ से प्रिंसिपल मैडम ने मना कर दिया था कि जब तक आप अपनी पेंडिंग फीस जो कि 15,000 बन रही थी वो डिपॉजिट नहीं कराते तो हम आपको SLC इशू नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी भटक रही थी, इधर उधर जा रही थी, तो इनको हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में जैसे ही पता चला कि वहाँ से इनको कुछ मदद मिल सकती है, ये इमीडिएटली हमारे पास आई और इन्होंने अपनी एक कंप्लेंट हमारे आगे रखी, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि ये अपने बच्चे का 6th पास आउट की जगह 5th पास आउट का सर्टिफिकेट भी मांग रही थी, कि अगर उनसे 6th पास आउट का वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं, जिसकी कि इन्होंने फीस नहीं भरी थी 6th स्टैंडर्ड की, तो ये इनका मानना था कि अगर ये 5th का इनको SLC बच्चे का दे दिया जाए तो वो भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार थी। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने या स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि पहले आपको फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी जो आपकी पेंडिंग है, हम उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू करेंगे। जो हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं दयानंद आदर्श विद्यालय की, उनको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि ये बात हायर अथॉरिटीज़ तक जा चुकी है और हमें इस केस में कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने इस हमारे लेटर पे संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने अभी 4 दिन पहले ने जो है वो SLC आशा जी को रिलीज़ किया है। मेरा जो हमारे जितने भी ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी से मेरी अपील रहेगी कि जो हमारा RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, जिसमें
25% सीट्स जो हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन उनके लिए प्रोवाइड की सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है 25% सीट्स का, तो उस प्रावधान के तहत वो अपना उस प्रावधान को फॉलो करें और उसके एवज में वो जो 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 बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको उनका राइट दें ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें।